सो वेलकम भाई, कैसे हो? तो गाइस एक बार फिर से आ चुका हूं आप सभी के लिए फ्री फायर के तबाही वाले ट्रिक के साथ। तो चलो गाइस फटाफट आज का बताता हूं आज के कुछ न्यू इंटरेस्टिंग ट्रिक। देखो गाइस, आपको पता है फ्री फायर में एक ट्रिक है जिसका यूज करके आप होस्ट बन सकते हो, बट क्या आपको पता है भाई वो कैसे होता है? उसके लिए बहुत ज्यादा लंबा ट्रिक है भाई, प्रोसेस वगैरह करना पता है, पता नहीं क्या है क्या। लेकिन गाइस देखो, वो सेम ट्रिक को यहाँ पे लॉबी पे कर सकते हो, और भाई ये ट्रिक इतना ज़्यादा ईजी है ना यार, आप इसे देख के खुद ही शौक हो भाई, इतना आसान था। हम लोग यार बहुत ज़्यादा उसे लंबे चौड़े पे कर रहे थे, पता नहीं क्या। देखो अब इस ट्रिक को, घोस्ट वाला ट्रिक को आप इजीली लॉबी पे कर सकते हो एंड सारे फ्रेंड को गाइस सरप्राइज भी कर सकते हो। तो गाइस इसे करना कैसे है ना, ओ गाइस देखो, आप अपने फ्रेंड को बोलना है एक स्नोमैन ले लेने के लिए, एंड जैसे वो हाथ में लेगा ना गाइस, आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है कहीं पे भी एंड अपना इमोट सेक्शन को इस तरह से ओपन कर लेना गाइस, उस पर क्लिक नहीं करना, एंड उधर से बोलना अपने फ्रेंड को आपके ऊपर स्नोमैन फायर करे। जैसे वो फायर करेगा अपना कोई सा भी एक इमोट करो एंड देखोगे आपका कैरेक्टर घोस्ट बन चुका है भाई। देख रहे हो कितना ज्यादा इजी थे यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कर सकते हो। एंड ये लॉबी पे आना एंड इस तरह से खड़े रहना है, कोई ना कोई तो गाइस आपके ऊपर सुनवाई लगा ही देगा। उसके बाद जैसे ही इमोट पे क्लिक करोगे ना, आपका पूरा कैरेक्टर घोस्ट में बदल जाएगा। तो गाइस इसे ट्राई जरूर से करना लॉबी पे। चलो ये तो आपने देख लिया गाइस घोस्ट ट्रिक, अब बताता हूँ आपको एक टेलीपोर्ट ट्रिक। हाँ भाई, टेलीपोर्ट ट्रिक भी फिर से आ चुका है, देखो गाइस बहुत ज्यादा ये भी शॉकिंग है। तो आपको क्या करना है गाइस, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के पास में गाइस यहाँ पर देखो लॉन्च पैड देखने को मिलता है, इसे ना कुछ इस तरह से सेट करना है एंड लॉन्च कर देना है। जैसे आपका कैरेक्टर ऊपर जाएगा हवा में, बस गेम को गाइस मिनिमाइज करना है 10 से 15 सेकंड एंड उसके बाद जैसे ओपन करोगे ना भाई, देख रहे हो यार हमारा कैरेक्टर कहाँ पे था और भाई कहाँ आ चुका है। देखो 200 मीटर दूर अपने फ्रेंड से, और वो भी इस साइड पे, इस डायरेक्शन पे गाइस लॉन्च पैड आता भी नहीं है। एंड देखो गाइस मेरा फ्रेंड सेम भाई इसी ट्रिक यूज करके मेरे पास आ चुका है भाई, आप भी देखोगे ना आप भी शौक होने वाले हो। बस कुछ भी नहीं करना, जैसा कैरेक्टर ऊपर जाता है ना, बस गेम को गाइस मिनिमाइज करना 10 सेकंड के लिए, आपका जो कैरेक्टर है किसी और डायरेक्शन पर चलेगा। देखो मेरा फ्रेंड सीधा ऊपर गया, लेकिन गेम को जैसे उसने मिनिमाइज किया भाई, कैरेक्टर का डायरेक्शन ही चेंज हो गया भाई, गजब यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग ट्रिक है, ट्राई गाइस जरूर से करना इसे। एंड नेक्स्ट गाइस देखो भाई, आप लोगों को पता है जब से कैसे अपडेट आया है ना भाई, एक ही कमेंट मिलेगा देखने को भाई, क्राफ्टुल को हम ट्रेनिंग ग्राउंड पे कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि पता होगा अपडेट के बाद क्राफ्टुल यार ट्रेनिंग में जाता ही नहीं है। चलो कोई नहीं गाइस, आपको पूरा डाउट क्लियर करता हूं एंड कैसे ले जाना है क्राफ्टुल वो भी आपको बताता हूं। देखो हमने यहाँ पर कुछ क्राफ्टुल यार परचेस कर लिए हैं, चलो अब आना इस हाउस के सामने एंड आपको क्या करना है ना, जोस्टिक को आगे करते हुए अपने फ्रेंड को बोलना आपके ऊपर रन करते हुए सर्वपोर्ट को ऑन करे, या जोस्टिक को आगे करते हुए रन तभी वर्क करेगा। तो जोस्टिक को आगे करते हुए अगर सर्वपोर्ट ऑन करेगा आपका फ्रेंड, तो देखो आपका कैरेक्टर कुछ इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से, एंड जब आपका कैरेक्टर कुछ इस तरह से अंदर आएगा तो गाइस आपको क्या करना है, बस रन करते हुए अपने सर्वपोर्ट को ऑन करना है। एक बार जैसे रन करते हुए सर्वपोर्ट को ऑन करोगे, देखो आप पूरी तरह से गाइस इसके अंदर चल जाओगे जहां से आप गन परचेस करते हो। बट गाइस देखो, जब यहां पर आने के बाद अगर आप क्राफ्टुल लगाने की कोशिश करोगे, तो भाई आप कितना भी ट्राई कर लो आप यहाँ पे क्राफ्टुल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पता होगा अपडेट के बाद इस हाउस के ऊपर क्राफ्टुल यूज होता ही नहीं है। ये फायर वगैरह आप लगा सकते हो, लेकिन जो क्राफ्टुल है उसे आप यूज नहीं कर सकते कितना भी ट्राई करो। हम तो गाइस इसके अंदर लेकर आ चुके हैं 20 क्राफ्टुल। चलो अब चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे। गाइस देखो हमारे हाथ में अभी भी क्राफ्टुल है, और जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाते हो भाई, देखो जो क्राफ्टुल हमारे पास थे वो तो नहीं रहा, लेकिन हमारे हाथ में एक ग्लूअल आ चुका है। मतलब भाई आप तो पूरा समझ ही गए होगे, सिंपल समझो बताओ तो भाई, क्राफ्टुल को आप किसी भी तरीके से गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके नहीं जा सकते भाई, यहाँ पर अब लाना इम्पॉसिबल है। फिर भी भाई ट्राई तो जरूर से करूँगा, आप लोग यार बताने की कोशिश जरूर से रहेगी क्राफ्टुल को कैसे लाना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए भाई क्राफ्टुल ट्रेनिंग पे लाना चाहते हो तो आपको कैसे इसका यूज करना होगा। देखो आपको आना है सोशल जोन पे एंड इस हाउस के ऊपर आने के बाद बैठ जाना है एंड अपने फ्रेंड को बोलना है रन करते हुए सर्वपोर्ट ऑन करे। देखो आपका कैरेक्टर इजीली इसके अंदर चला जाएगा एंड इस तरह से अब अंदर आओगे ना तो कोई एनिमी और आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गाइस आप क्राफ्टुल को यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हो और लेके आ सकते हो, कुछ भी लेके आ सकते हो यार, स्नोमेल फायर करेगा यार जो मन आपका सो लेके आ सकते हो। लेकिन गाइस जो पहले था भाई एनिमी के बंदों के सामने लाने के लिए, वो ट्रिक गाइस अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो गाइस, जल्दी वो ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड चलो गाइस बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और भाई नेक्स्ट ट्रिक हमारा ना गाइस एक बहुत ही बेस्ट हिडन प्लेस होने वाला है। तो इसे करने के लिए गाइस आपको आना है कोचिंग के पे एंड यहाँ पर एक हाउस मिलता है, देख बस इस हाउस के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर देखो एक खंबे जैसा देखने को मिल रहा होगा। तो क्या करना है आपको, एक जंप लगाना एंड जंप लगाने के बाद इस खंबे के ऊपर आपको बस चढ़ जाना है एंड जैसे ही पर आओगे ना
अपने कैरेक्टर को यहाँ पर लेट जाना है एंड लेटने के बाद नेट को ऑफ कर देना। जैसे आपका पिंग गाइस 300 से 400 बीच जाएगा आपको क्या करना है, तुरंत से गाइस यहाँ पर रन करना है एंड रन करते हुए आपको कुछ इतना दूर गाइस आ जाना है। देखो पिक के साइड तक आप बस चले जाना एंड जैसे यहाँ तक पहुँच जाओगे ना दोबारा से गाइस नेट को ऑन कर देना एंड बस भागते ही रहना है, कुछ भी नहीं करना। एंड देखोगे जैसे आपका पिंग नॉर्मल होगा भाई आपका कैरेक्टर इस खंभे के अंदर आ चुका है। भाई कितना भी ट्राई कर लो यार इससे बेस्ट हिडन प्लेस तो होने वाला नहीं है। और गाइस इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, देखो आप तो इसके अंदर पूरी तरह से हाइड हो लेकिन सामने से अगर कोई बंदे एनिमी में रहते हैं तो गाइस इजीली आप उसे किल भी कर सकते हो और भाई आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। भाई यहाँ से पूरी तरह से डैमेज भी देखने को मिलता है। देखो सामने कुछ ग्लू लग रहा है, इसे लगाने के बाद देखो मैं इसी तरह से फोड़ पा रहा हूँ एंड बंदों को तो भाई खैर नहीं हो रहा है। तो आप रैंक भी इसका यूज करके भाई इस तरह से हाइड कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पर रैंक पुश वगैरह कर सकते हो, किल भी आपको बहुत ही फ्री में मिलने वाला है। तो ट्राई करना गाइस एक बार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब जिसका वेट कर रहे हो उस ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ भाई वही डायमंड वाली ट्रिक क्या है जिसे लोबी पे लगा के हम बहुत सारा डायमंड लूटा करते थे। लेकिन गाइस आपने जब नोटिस किया होगा भाई अभी आप लॉबी में जा रहे हो बहुत सारे लोग बंदे वगैरह डायमंड लॉबी प्लांट लगा भी रहे हैं लेकिन जब उसमें आप लूट रहे हो ओपन कर रहे हो तो भाई उसके अंदर कॉइन या फिर रिसोर्स मैप यार पता नहीं फालतू की चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, डायमंड तो गाइस आपको नहीं मिल रहा होगा। लेकिन गाइस अभी देखना मेरे पास भी यार 4 पड़े हुए हैं, भाई सबको 2 मिल रहा है लेकिन मुझे 4 पता नहीं यार किस तरह से मिल गया। तो मेरे पास अभी 4 है, देखो मैंने यहाँ पर 1 लगाया और चलो इसे लूटते हैं एंड ओपन करने के बाद भाई देखो 10 डायमंड। भाई मैं भी देख के शौक हो गया। तो देखो आप डायमंड तो यहाँ पर लूट सकते हो गाइस, ये ट्रिक पॉसिबल है आप कर सकते हो लेकिन पूरी बात आप सुनना गाइस। देखो तो कुछ ट्रिक थे जिसे मैंने अप्लाई किया और भाई उसके बाद जब ट्राई किया तो रिजल्ट तो यार बहुत ज्यादा औसम मिला। भाई आप डायमंड को लूट सकते हो जो कि यार कोई भी किसी को नहीं मिल रहा अभी डायमंड, वो डायमंड आप यहाँ पर ले सकते हो लोबी प्लांट की मदद से। लेकिन हुआ क्या गाइस, देखो जैसे ये गेम खत्म हुआ ना एंड मैं अपने लोबी पे जाता हूँ वापस गेम कट करके तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता है गाइस, जो 10 डायमंड हमने लूटा था वो भाई अकाउंट पे ऐड होता ही नहीं। और भाई ये देख के ना भाई मूड खराब हो गया यार, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बता नहीं रहा। अब जो ट्रिक है ना गाइस बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, अगर एक ट्रिक को करना चाहो तो गाइस 5 से 6 मिनट का वीडियो एक ही ट्रिक पे बनने वाला है क्योंकि ये ट्रिक थोड़ा प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है एंड मैं इसे यूज किया ट्राई किया डायमंड तो मिला बट भाई वो अकाउंट पे ऐड होता ही नहीं है। अगर मैं एक ट्रिक बताऊं तो भाई आप भी बोलोगे क्या यार फेक ट्रिक बता रहा है, तो कोई फायदा नहीं है यार, वैसे वर्क वगैरह करता नहीं, बस आपको वहाँ पर शो करेगा कि आपको डायमंड मिला लेकिन जब आपने अकाउंट पे जाकर देखोगे तो गाइस वहाँ पर डायमंड ऐड होता है नहीं है। एंड बहुत सारे बंदे ना क्या कर रहे हैं गाइस डायमंड लूटने के चक्कर में गाइस देखो गेम में आते हैं एंड गेम से तुरंत बैक कर लेते हैं, फिर से लॉबी पे जाते हैं फिर से लूटते हैं लेकिन गाइस डायमंड मिल नहीं रहा होगा, तो कोई फायदा नहीं है भाई क्योंकि गरीना ने इस बार डायमंड वहाँ पर हटा दिया रिमूव कर दिया। एंड ट्रिक के बाद से यूज तो कर सकते हो लेकिन गाइस वो भी काउंट नहीं होता इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप बोलो कमेंट करो तो गाइस वो ट्रिक मैं आपको बता दूं जिससे आप डायमंड तो करेगा लेकिन काउंट गाइस होगा नहीं। एंड चलो गाइस फिलहाल के लिए भाई इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक करते हुए जाना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं की हो तो भाई कर लो यार, कितना ज्यादा वेट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको औसम वाले मजेदार ट्रिक्स बता पाऊंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। चलो मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट ट्रिक के साथ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।